काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए मैं जा रहा हूँ अपनी कार से, लेकिन आपको मैं सस्ता माध्यम बताऊंगा क्योंकि मेरे घर से काशी विश्वनाथ मंदिर की दूरी केवल 65 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैंने अपनी कार ही ले ली है। बट मैं कैंट जाऊंगा, बनारस का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे जाऊंगा, आपको बताऊंगा वहाँ से आप कैसे सस्ते में पहुँच सकते हैं, सारी डिटेल आपको बताऊँगा बजट में, डोंट वरी। सो पहुँचते हैं सीधे वाराणसी और फिर उसके बाद करते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर वाराणसी में गंगा नदी के किनारे भीड़ भाड़ वाली बाजार के बीच विश्वनाथ गली में स्थित है, जहां हर दिन दूर दराज से हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं। नंदी चौराहे पर मैं पहुंच गया हूं और वाराणसी का जाम देखने लायक है। यहाँ पर कार से आना मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा। मैं आ गया हूं बट आना नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक होता है और यहाँ की गलियाँ भी, रास्ते भी काफ़ी पतले पतले हैं, सो ये प्रॉब्लम आती है। सो वेट कर रहे हैं पार्किंग मिल जाए, तो फिर पार्किंग में बस गाड़ियाँ लगा दी जाए। तो हाल कुछ ऐसा है, वहाँ पार्किंग फुल हो चुकी है, अब आगे जाना पड़ेगा। अपनी कार को मैंने यूं ही यहीं पे लगा दी है एक किनारे, लगभग कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर दूर। और अब यहाँ से कुछ पकड़ते हैं ई रिक्शा वगैरह, जो कि ज़्यादा नहीं 10-20 रुपये में पहुँचा देता है, मतलब 1 किलोमीटर। अगर आप कैंट से यहाँ तक आते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल, तो आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाती है, ई रिक्शा वगैरह भी मिल जाता है, जो कि आपसे मैक्सिमम 30 से 40 रुपये लेंगे। तो उसके थ्रू आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं मंदिर तक, और डायरेक्ट मंदिर तक तो एकदम कोई नहीं पहुँचाता है, आपको फिर भी लगभग आधा किलोमीटर तो पैदल चलना ही पड़ेगा। वाराणसी आप ट्रेन, फ्लाइट या बस के माध्यम से पहुँच सकते हैं, जहाँ रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से काशी विश्वनाथ मंदिर केवल 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और कैंट से आप ऑटो या ई रिक्शा लेकर टेम्पल तक आधे घंटे में आसानी से पहुंच सकते हैं। मंदिर तक जाओ कितना पैसा? मंदिर, हाँ मंदिर में जाएंगे, वहाँ पहले उतारे नंदी चौराहे भी आगे, नंदी चौराहे के आगे आगे कितना? 50 हिसाब से ले लो, हिसाब चलो चलो भाई 50 ले लो, तुम भी कमा लो। वैसे जनरली 30 से 40 में हो जाता है, बट ठीक है, इनको देने में कोई बुराई नहीं। तो रिक्शा कर लिया है मैंने, कार से सीधे आ गए हैं रिक्शे पर। मज़ा तो इसका भी अपना ही है। जब कार नहीं थी तो इसी से आते थे, मतलब वाराणसी तक नहीं, पर यहाँ तक मंदिर तक अंदर तक जाने के लिए इसका आप यूज़ कर सकते हैं। मंदिर के आसपास में ही आपको कई सारे होटल, लॉज या धर्मशाला मिल जाते हैं, जहां नॉर्मल कैटेगरी के होटल 1000 से 1200 रुपए से स्टार्ट होते हैं, वहीं लॉज या धर्मशाला आपको 300 से 400 रुपए में भी मिल जाते हैं। बड़े होटल्स के ऑप्शन भी यहां मौजूद हैं। रिक्शे से मैं उतर गया हूं और मंदिर की तरफ बढ़ रहा हूं। रास्ते में मुझे ये शॉप दिखी है, काशी चाट भंडार। यहाँ भीड़ आप देख रहे होगे। दरअसल यहाँ पे आप वाराणसी में आपको चाट की दुकानें काफ़ी मिलेंगी, जहाँ पर आप खाना पीना खा सकते हो, मतलब चाट फेमस है यहाँ का। तो दर्शन करने के बाद भक्त चाट वगैरह यहाँ पे खाने जाते हैं। ये चौराहा जो आप देख रहे हैं ये नंदी चौराहा है, नंदी जी की प्रतिमा यहाँ पर दिखेगी। 2 पहिया पार्किंग है यहाँ पर, और ये रास्ता एक तरह से बाहर निकलने का है, ये भी बाहर निकलने का है, लेकिन ये मंदिर की पुरानी गलियों से होकर जाने का रास्ता है। यहाँ पर अगर आप कलर्स देखेंगे तो सारी बिल्डिंग्स के एक ही कलर में है, पिंक कलर का पूरा आपको दिखेगी यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह। तो जब आप आएंगे तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। फ़िलहाल मैं नए वाले रास्ते से जाने वाला हूँ, जहाँ कॉरिडोर वगैरह बना है, तो वो दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ते टाइम आपको मिलेगा रास्ता। काशी विश्वनाथ मंदिर का उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी है, और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव देवी पार्वती से विवाह करने के बाद कैलाश पर्वत आकर रहने लगे। वहीं देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थी, जहां उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आ गए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। काशी विश्वनाथ जी को विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ब्रह्मांड का शासक। पैसे कितना का भैया? एक दे देना। बनारस में गर्मी काफ़ी पड़ती है और अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो लस्सी का लुत्फ उठाना ना भूलें, इससे आपको थोड़ी ठंडक भी मिलेगी और हेल्दी भी होता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है खाने पीने में। मस्त यहाँ पे मलाई मार के, बादाम वगैरह डाल के और शाम्बू वगैरह डाल के इसमें दिया जाता है, कुल्लड़ में परोसा जाता है। 35 रुपीज़ में वर्कफुल रहता है और मज़ा आएगा। बनारस में आएँ तो लस्सी और पान का लुत्फ बिना उठाए जाना नहीं। बहुत बढ़िया लस्सी पिलाए हो भैया। भैया की ये शॉप है और ये नंदी चौराहा है, यहीं पर है, आप आना और इनके यहाँ ज़रूर पीना, मज़ा आएगा आपको। इस पूरे एरिया में आपको बहुत भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी, साथ ही खाने पीने की दुकानों के साथ आपको यहाँ शॉपिंग के लिए बनारसी साड़ियाँ और कपड़ों की दुकानें भी मिलेंगी। काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने का रास्ता बनारस की तंग गलियों से होकर जाता है और इन गलियों में आपको फूलमाला, प्रसाद और लॉकर्स की भी सुविधा मिलती है, क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरा, मोबाइल सहित कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें अलाउड नहीं है। मंदिर के अंदर तो नहीं कहूँगा, बट कॉरिडोर के पास में मैं आ गया हूँ और यहाँ पर कुछ दुकानें आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी एकदम लास्ट में। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो लॉकर्स वगैरह यहाँ पे हैं, अंदर अलाउ नहीं होता है कुछ भी कैमरा, मोबाइल वगैरह ले जाना, तो इसलिए आपको यहीं पे रखना पड़ेगा। और यहाँ पर निःशुल्क लॉकर की सुविधा है लिखा हुआ है, तो आप निःशुल्क यहाँ पर जमा कर सकते हैं, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप जहाँ से प्रसाद लेते हैं वहाँ से भी ले सकते हैं, जनरली सेफ़ ही होता है। अगर आपको अनसेफ़ लग रहा है तो आप यहाँ निःशुल्क लॉकर में जमा कर सकते हैं, ये ऑथराइज होता है। मंदिर की गलियों में ही गेट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हुए मंदिर से सटा हुआ है माता अन्नपूर्णा भवन, जिसमें आपको 3 टाइम बिल्कुल फ्री भोजन की सुविधा मिलती है। यहाँ मंदिर की टाइमिंग की बात करें तो मॉर्निंग में मंदिर 5 बजे ओपन हो जाता है और रात को 11 बजे तक ओपन रहता है। और यहाँ पर जो अगर आप लाइन देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अभी रुका हुआ है दर्शन, अभी रुका है केवल 1 वजह से, क्योंकि यहाँ पे कमिश्नर साहब आए हुए हैं इसलिए रोक दिया गया है। अदरवाइज़ चलती हुई लाइन रहती है तो दर्शन हो भी जाते हैं। जिनसे भी पूछा है अभी आधा से 1 घंटे में दर्शन हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। कॉरिडोर बनने के बाद काफ़ी सुविधाजनक हो गया है यहाँ पे दर्शन करना, लेकिन जब रुकती है लाइन तो ऐसे ही लाइन लग जाती है। फ़िलहाल बाहर तक कॉरिडोर की लाइन लग चुकी है। सावन के महीने में आपको यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि माना जाता है कि सावन के महीने में ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने और फिर गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दर्शन कर लिए? कैसा रहा दर्शन? कितना समय लगा? हाँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, फिर भी 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा लगा। कौन से गेट से गए थे आप लोग? गेट नंबर 2 से। अच्छा, तो बढ़िया से दर्शन हुए। अच्छा, पहली बार आ रहे हो आप लोग? पहली बार आ रहे हैं, इसलिए आपके वीडियो वगैरह देख लिए थे पहले, ट्यूटोरियल वगैरह डिस्टेंस मीटिंग के नाम से। जी, चलो बहुत बढ़िया। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। तो समोसा मैंने यहाँ पर ले लिया है और 8 रुपये का समोसा मिला है, और एक कटलेट भी मैंने ले लिया है, ये यहाँ पर रेट है 12 रुपये। यहाँ पे आपको बहुत नॉमिनल रेट में मिल जाएंगी दुकानें, आपको छोटी में भी आ सकते हैं, छोटी छोटी दुकानों में भी आप खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बड़े बड़े शॉप पे जाएं, नॉर्मल जगह पे भी आपको टेस्ट अच्छा मिल जाएगा, ये खास बात है यहाँ बनारस की। यहाँ आने के लिए विंटर का सीज़न यानी नवम्बर से फरवरी तक आना बेस्ट होता है, क्योंकि बाकी समय यहाँ पर काफ़ी गर्मी होती है। व्हील चेयर कितने में मिल जाता है? दर्शन एक जगह ही करना है टेंपल का, 400, तो 400 रुपये में आपको व्हील चेयर भी मिल जाएगी और व्हील चेयर से भी आप मंदिर तक जाके अंदर तक दर्शन कर सकते हैं। तो दर्शन के लिए अब मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कितना समय दर्शन करने में लगता है और क्या परेशानी होती है या फिर आसानी से हो जाता है। सारी डिटेल मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। अंदर कैमरा या मोबाइल अलाउड नहीं है तो मैं अंदर का तो नहीं दिखा सकता हूँ, बट इन्फॉर्मेशन बता सकता हूँ। तो मिलते हैं दर्शन के बाद। काशी विश्वनाथ मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य और गोस्वामी तुलसीदास भी दर्शन के लिए आ चुके हैं। 11वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण राजा हरीश चंद्र द्वारा किया गया था, लेकिन इसके बाद मंदिर पर कई बार मुगल शासकों द्वारा आक्रमण किया गया और तोड़ा गया, पर आखिरी बार औरंगजेब के द्वारा मंदिर तोड़े जाने के बाद 1780 में इंदौर के मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था और 2021 में कॉरिडोर बनाया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में आप लंबी लाइन से बचने के लिए सुगम दर्शन भी कर सकते हैं और घर बैठे दर्शन के लिए आप काशी विश्वनाथ टेम्पल की ऑथराइज वेबसाइट श्री काशी विश्वनाथ .org पर जाकर लाइव दर्शन भी कर सकते हैं और इसी वेबसाइट के थ्रू आप आरती बुकिंग भी कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं, आसानी से करना चाहते हैं, हसल फ्री करना चाहते हैं, तो उसके लिए काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से ही सुगम दर्शन की व्यवस्था की गई है। इस दर्शन के लिए वैसे तो वेबसाइट पे 300 रुपये चार्ज दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने जब देखा तो यहाँ पर 500 रुपये दर्शन का चार्ज लिखा हुआ था, तो उसकी वजह से आपका समय बच सकता है अगर भीड़ भाड़ की सिचुएशन में। लेकिन जब स्पेशल डेज़ होते हैं या फिर आरती का समय चलता है तो ये सुगम दर्शन अप्लाई ही नहीं होता है, तब आपको लाइन में लगना पड़ेगा। लेकिन जनरल डेज़ में आप यहाँ पे आ सकते हैं और सुगम दर्शन की सुविधा ले सकते हैं। लेकिन जनरल डेज़ में ये भी होता है कि आपको 1 घंटे में दर्शन भी हो जाते हैं, तो ज़रूरत भी नहीं है कि आप इसकी व्यवस्था का फ़ायदा उठाएं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो यहाँ पर हेल्प डेस्क काउंटर होता है, उस काउंटर पर जाएं और सिंपली आप वहाँ पर टिकट मिल जाता है और उसको आप लेके अंदर जा सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहे तो इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं, तो दोनों तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। तो जिनको सुगम दर्शन की व्यवस्था लेनी है तो उनके लिए भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर 13 दिसंबर 2021 में 700 करोड़ की लागत से बने काशी विश्वनाथ धाम यानी कि जो कॉरिडोर का निर्माण हुआ था उसके बाद यहाँ पर अब टोटल 7 गेट हैं और 7 गेट में से 3 गेट ऐसे हैं जो एंट्रेंस पॉइंट के लिए हैं और बाकी मंदिर के अंदर 4 गेट जो हैं प्रीमाइसेस में हैं। तो इस तरह का यहाँ का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा यहाँ 24 बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन किया गया है, तो मंदिर काफ़ी अब बड़ा है और बिल्डिंग्स भी काफ़ी देखने को यहाँ पर मिलेगी और दर्शन भी आपको पहले से काफ़ी आसानी से हो जाएगा। अब दर्शन करने में टाइम वगैरह क्या लगा? टाइम लगा लगभग 1 घंटे, ज़्यादा नहीं लगेगा और आसानी से दर्शन भी कर लेंगे। अगर आप लाइन में प्रॉपर लग जाते हैं तो ज़्यादा इधर उधर लगने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि किस गेट से जाएं, आप किसी भी गेट से जाएंगे ऑलमोस्ट उतना ही टाइम आपको लग सकता है। आई थिंक जो 2 नंबर गेट है वो आपके लिए सबसे बेटर होगा और कभी कभी कुछ गेट्स ऐसे होते हैं जो क्लोज भी होते हैं और कभी ओपन भी होते हैं, तो डिपेंड करता है कब कौन सा गेट ओपन है। जनरली ओपन ही रहता है, कोई स्पेशल केस होता है तब क्लोज होता है। अब यहाँ पर बाकी दर्शन आपको बहुत बढ़िया होंगे और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। हार्डली आपको दूर से देखने में लगभग मिल सकता है 1 मिनट, लेकिन जब आप पास जाते हैं तो फटाफट आपको 10-20 सेकंड 30 सेकंड में बाहर कर दिया जाता है। तो इतना ही टाइम मिलता है और इतने में बहुत होता है दर्शन करने के लिए। जो टाइमिंग आपके लिए अगर मैं बताऊं बेस्ट आपको यहाँ पे कब आना चाहिए दर्शन के लिए, बेस्ट टाइम जब आपको भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी तो सुबह आप 5 से 7 के बीच में आकर दर्शन कर लें मंदिर के खुलने के टाइम में, तो उस टाइम आपका दर्शन काफ़ी आसानी से हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा क्योंकि उस टाइम भीड़ भाड़ नहीं होती है। बाकी किसी भी टाइम में आप आते हैं तो आपको भीड़ भाड़ मिलेगी। हाँ, एक गारंटी मैं नहीं दूँगा कि अगर आप सावन वगैरह के टाइम में आते हैं जब यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, महाशिवरात्रि पे आए, मतलब स्पेशल डेज़ पे अगर आप आते हैं तो भीड़ की कोई गारंटी नहीं है, वो ज़्यादा हो सकती है। बाकी नॉर्मल डेज़ में अगर आप आते हैं तो आपका जो टाइम लगना है 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना है, तो इतने टाइम में दर्शन हो जाएंगे। कॉरिडोर की वजह से काफ़ी आसान हो गया है दर्शन करना। सो ओवरऑल आई थिंक मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो भगवान का बुलावा, भोलेनाथ जी का बुलावा अगर आपके पास भी आ गया है तो आप आ सकते हैं यहाँ पर और दर्शन करने के लिए बस बाबा का नाम ले और बस आ जाएं। सो वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे भी जाकर आप लाइव दर्शन वगैरह कर सकते हैं काशी विश्वनाथ जी की, तो अगर आप घर बैठे करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। सो ओवरऑल ये इन्फॉर्मेशन था। कोई डाउट होगा, कोई आपको माइंड में कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड मेक श्योर कि नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर कुछ खा पी के ज़रूर जाएं दर्शन करने के बाद और बाबा भोलेनाथ का बस नाम लें। तो आज के लिए इतना ही था। जय भोलेनाथ।